हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और होप सारे घर पे अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। और आफ्टर एक मंथ, एक महीने के बाद मैं एक नया व्लॉग बनाने जा रहा हूँ आज, क्योंकि लगी हुई थी, मेरे हाथ पे एक्सीडेंट हो गया था मेरा एक छोटा सा, और अभी हो चुके हैं रिकवर। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जो मेरी बाइक थी, मेरी बुलेट थी, उसके सामने सडनली कोई आ गया था, मतलब रॉन्ग वे से कोई आ गया और उसमें बाइक जाके भिड़ी। रात का टाइम था, दोस्त भी साथ थे, तो दोस्त को भी लगी और मेरे को भी लगी। पहले तो ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, बट फ्रैक्चर नहीं था, वो एक नॉर्मली मांस फटा था। तो दो तीन लोगों को दिखाने के बाद कंफर्मेशन मुझे मिली कि हाँ, वो मांस फटा हुआ है, वो फ्रैक्चर नहीं है। सो फाइनली अब हो चुके हैं रिकवर, ऑलमोस्ट रिकवर। बस थोड़ा सा हाथ पे थोड़ी पेन रहती है, बस बाकी सारा रिकवर है। बाइक गई है ठीक होने के लिए, वो भी जल्दी आ जाएगी, और ऑफिस से जा ही रहे हैं। बाकी अब होते हैं जिम के लिए रेडी। आफ्टर 23 डेज, 23 दिन के बाद मैं जिम जा रहा हूँ, और देखते हैं फिर कैसा था जिम। और बॉडी यार ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल ढीली ढीली सी, क्योंकि लगातार जिम जा रहे थे और एकदम से छोड़ दिया, ऑलमोस्ट एक महीना ही समझ लो। और डे शिफ्ट चल रही है फिलहाल अभी हमारी, और अभी सो के उठे जस्ट। तो चलते हैं पहले जिम, फिर देखते हैं कैसा है तो पूरा दिन, और दिखाएंगे बहुत दिनों के बाद एक नया व्लॉग। सो चलते हैं गाइस। आफ्टर 23 डेज जिम का माहौल देखते हैं कैसा है आज सुबह सुबह, और अभी बज रहे हैं करीबन 8:30। चलते हैं जिम, फिर ऑफिस भी है करीबन 12:30 निकलूँगा ऑफिस के लिए भी। चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर आगे। तो आज अभी आ चुके हैं बाहर जिम के लिए, रेडी हो गए, और आज है नवमी, नवरात्रि का आज लास्ट डे है, और सबको जय माता दी भाई, अच्छे रहे नवरात्रि का भी, फास्ट भी रखे जो कि हर बार रखते ही हैं। तो आज आखिरी दिन है नवरात्रों का, और यहाँ पे लोगों की तैयारियाँ चल रही हैं। चलते हैं भाई, ये रही हमारी बोतल। सुबह सुबह धूप बहुत ज़्यादा तेज है यार, इस टाइम तो होती है, लेकिन भाई इतनी तेज। आ गए जिम के बाहर, ये रहा जिम, चलते हैं भाई अंदर। सुबह सुबह जिम काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं। नीचे पार्किंग है, ये पार्किंग है, और इसके नीचे जाके हमारा है जिम। जिम वाला भैया, दिनों के बाद जिम आया तो यानी कोई एक्सरसाइज करनी है डायरेक्ट। आज करते हैं मिक्स एक्सरसाइज, बॉडी भी रिकवर करने में टाइम लगाएगी, ऑफिस वैसे होने में टाइम लगाएगी। सो पहले मिक्स करते हैं यार, डाइक डंबल से कर रहा है, क्योंकि हाथ एक काम इतना कर नहीं रहा है, पूरा मुड़ नहीं पा रहा है, तो डाइक डंबल उठा पा रहे हैं इस हाथ से हम आज, बाकी दूसरा हाथ पूरा काम कर रहा है। वेट इतना उठ नहीं पा रहा है, अभी आया ऊपर पार्किंग में, और भैया ने कहा कि स्कूटी में उनके लिए, मतलब स्कूटी में कुछ रखा है, तो ये है उनकी स्कूटी में कुछ रखा है, तो जिससे थोड़ा बेटर लगेगा, देखते हैं क्या पड़े। यस, तो ये अपने हाथ पर लगा सकते हैं हम, जिससे हाथ पर थोड़ा बैलेंस बने, क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने ट्राई करा तो 250 से ऊपर वेट नहीं उठ रहा इसमें भाई, अरे क्या होगा भाई, हाथ पे जॉइंट करने में हाथ पर काँपता है ये थोड़ा सा, देखते हैं। दोनों ले चलते हैं नीचे, तो ट्राई करते हैं जितना हो सके, क्योंकि धीरे धीरे ही फॉर्म वापस आएगी। यही चलते से नीचे ट्राई करते हैं कितना वेट कैसे उठता है, तो थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज फिर कार्डियो करना पड़ेगा। चलते हैं भाई, लगा दिए ऐसे, देखते हैं कैसे करीब बनती है। एक बार ये वेट उठा के इससे, कार्डियो तो कर लिया था थोड़ा बहुत, तो ये वेट उठा के देखते हैं, 10 किलो ही है। स्टार्टिंग इससे करते हैं, हो पाया तो बिल्कुल आगे जाएंगे फिर। हाथ की जो ये जो एरिया ना, इस एरिया से ऐसे ऐसे नहीं हो पा रहा, बट ये हो पाएगा, ट्राई करते हैं कि ये ऊपर नीचे हो जाए तो बेटर है, क्योंकि तो धीरे धीरे ही ठीक होगा ये कवर। ये हाथ कांपता है भाई, ये हाथ पे कमजोरी आ गई, और 2.5 किलो वेट कम हो चुका है मेरा 23-24 दिनों में बिना कुछ करे ही। आया भैया, आएंगे थोड़ी वीडियो बनाएंगे आगे की, चल देखते उठा के फिर कैसा लगता है आज, ये वाला उठाते हैं आज। कुणाल जी सर नीचे कर, कुणाल
जाके 20 रैप लगे इसके। अब आगे देखते क्या करना है। 3 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आखिरी सेट में थोड़ा बहुत पेन इसमें लग रहा था, वेट सेम ही है, अभी हाथ कांपता है भाई, ये पता नहीं कब ठीक होगा। जल्दी ठीक हो तो भाई आगे वेट बढ़ाएं। करते हैं हम इंक्लाइन के 3 सेट, इंक्लाइन मारते हैं सेम वेट पे, ट्राई करते हैं कि हो जाए। मेरे ख्याल इंक्लाइन तो हो जानी चाहिए, पता नहीं क्या है, अब देखते हैं भाई। इंक्लाइन भी हमने करते 3 सेट, उसको 10-12 रैप से ऊपर नहीं हुए, और हाँ धीरे धीरे ट्राई करेंगे आगे बढ़ने की, तभी ठीक होंगे पूरे। और भाई जिम थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, पहले से थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अब मारते हैं हम 3 सेट इसके बटरफ्लाई के, और चेंजेस करते हैं इसको। 3 सेट भी इसके मारेंगे, फिर देखते हैं कुछ आगे क्या क्या हमसे हो सकता है। तो मिक्स मारेंगे आज, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा रिकवरी करेंगे जल्दी जल्दी और फिर बैक टू बेसिक्स। अभी लेग्स वगैरह भी करने थे, लेकिन लेग्स से भी शायद कर नहीं सकते, पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि पैर में स्टिचेस जो ही खुलवाया है, एक्सीडेंट से पैर में स्टिचेस आ गए थे, जिससे शायद लेग की एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते। तो देखते भाई लेग कितने टाइम में हम कर पाएंगे, बट हाँ मेरे ख्याल से एक्सरसाइज तो हो जानी चाहिए, ट्राई करूँगा, वैसे ट्राई कर रहे हैं भाई। बटरफ्लाई में करनी पड़ेगी स्किप, क्योंकि ये हो नहीं पा रही है ठीक से, हाथ में खिंचाव आ रहा है और दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये हमें स्किप करनी पड़ेगी। पहले सेट से ऊपर हुआ ही नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, हाथ दर्द हो रहा है बहुत। ट्राई करते हैं कुछ और हमसे हो जाए, ट्राई करते हैं अब ये बैक मार के देखते हैं, ये हो पाएंगे तो बढ़िया है, इसके बाद फिर देखते क्या क्या हो सकता है, फिर दिखाते हैं फिर आज क्या करते हैं। पूरा दिन ऑफिस भी जाना है यार, टाइम भी हो चुका है करीबन, यहाँ पर टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, मेरी एक्सरसाइज सारी यहाँ पे मिक्स ख़त्म होने वाली है अब, और मैं सब यहाँ से निकलूँगा 5-10 मिनट में घर, घर जाके फिर रेडी होके निकलना है ऑफिस भी, कुछ खा पियेंगे बढ़िया सा। तो लोगों की छुट्टी आज नवमी आज, तो बाकी हमारी छुट्टी नहीं है, लेकिन हमें जाना है ऑफिस, घर जाएंगे और रात को ऑफिस आएंगे, फिर देखते हैं दिन अच्छा ही जाएगा आज। बाल भी थोड़े बिगड़े पड़े हैं, हेयर कट वगैरह भी कराना है, बियर्ड वगैरह भी सेट करानी है, हालत पूरी बिगड़ी बिगड़ी सी है, बस मेन तो बाइक का है, बाइक जल्दी ठीक होकर आए, ठीक होने दे रखी है, ठीक होकर आएगी वो तो उसके बाद ही मज़ा आएगा भाई। बाइक तो यार बहुत ज़्यादा टूटी थी भाई, हमें भी निकल चुके हैं ऑफिस घर के लिए, और जिम भाई घर जा रहे हैं घर, फिर वहाँ जा रहे हैं रेडी हो गया ऑफिस, हाँ ऑफिस जा रहे हैं यार भाई। 2 बजे शिफ्ट स्टार्ट है, तो निकल जाऊँगा 12-12:30 बजे के आसपास, गुड़गांव में जाना है। तो भाई ये तो भाई अब आगे अपने घर, आगे अपने घर खोलते हैं गेट, खोलते हैं गेट और चलते हैं अब घर के अंदर। ऑफिस के लिए टाइम भी हो रहा है, करीबन बज चुके हैं 11:15। सो फाइनली गाइस मैं रेडी हो गया चुका हूँ यहाँ पर अभी, और अभी मुझे यहाँ से जाना है ऑफिस के लिए। पहले जाता हूँ नीचे, कुछ खाता हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, और होप दिन आगे अच्छा ही रहेगा। आज डे शिफ्ट है हमारी ऑफिस की, और डे शिफ्ट ठीक जा रही है, रात तक घर आता हूँ, फिर नींद भी अच्छे से होती है, फिर सुबह जिम भी सही चलेगा आगे से, आज पहला दिन था जिम का भी, तो देखते हैं शेड्यूल सारा बढ़िया रहेगा। अब सोच रहा हूँ कि रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ और रेगुलर व्लॉग्स दिखाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने, करीबन 1 महीने बाद एक व्लॉग डाल रहा हूँ, और एक व्लॉग तो मेरा पेंडिंग पड़ा है करीबन 4 महीने से, दिसंबर से मेरा एक व्लॉग पेंडिंग पड़ा है जो कि मनाली का था। वो व्लॉग मेरे पास एक्चुअली वो वीडियोज़ नहीं है, वो वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत बड़े लार्ज अमाउंट की हैं वो वीडियोज़, मतलब बहुत बड़े MB4 स्टोरेज चाहिए उसके लिए, और ये स्टोरेज है नहीं, तो उसके लिए मैंने सोचा है उसका जल्दी ही जुगाड़ करके वो व्लॉग जल्दी बना के डालूंगा, एडिट करना रह गया बस, उसे बना के रखा हुआ है और वो बस पता नहीं क्यों ही नहीं आ पा रहा, उसमें नज़र लग गया, ऐसा लग रहा है कि उसमें नज़र लग गई है, जैसे ही वो व्लॉग बनकर आएगा जरूर दिखाऊंगा। बहुत अब तक का बेस्ट ट्रिप रहा है हमारा वो सबका, और सारे उसको इतना याद करते हैं कि यार मनाली का ट्रिप बेस्ट रहा है अब तक का, मतलब दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, और ये व्लॉग इतने देर क्यों आया, आपको ये भी लगेगा कि ये जल्दी आना चाहिए था व्लॉग, तो जल्दी वो व्लॉग भी आएगा। बाकी अब सोच रहे कि रेगुलर व्लॉग आए, तो ट्राई करते हैं कि रेगुलर व्लॉग ही डालूंगा। नीचे आकर अभी रिक्वेस्ट करता हूँ फटाफट, टाइम भी होने वाला है, ऑफिस के लिए निकलना है फटाफट मुझे, और
ब्रेकफास्ट के निकलूंगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट? और आलू के पराठे बन रहे हैं भैया सुबह सुबह, तो ब्रेकफास्ट ऐसे ही होना चाहिए क्यों माता? आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, करीबन एक महीने के बाद। और मम्मी को बोला ब्लॉग तो रह गया मनाली वाला, वो बोलो बेस्ट है अब तक का ना, जल्दी बनाऊंगा वो भी। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले पीते हैं अपना प्रोटीन, प्रोटीन पीने के बाद थोड़ी देर में खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट, फिर निकलना ऑफिस के लिए, भागा भागा जाना पड़ेगा। यहाँ से पहले जाना होता है मेट्रो, फिर मेट्रो से जाकर आगे मिलती है हमें शटल, और शटल से जाना होता है हमें ऑफिस, जैसे हमें ऑफिस उतारती है, हमारी शटल ऑफिस की होती है, वो दिखाऊंगा। फिर ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक में टाइम लो, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक थोड़े कम मिलते हैं, जो पहले CNX में था वहाँ पर तो पता ही है कि भाई बाहर घूमते रहते थे, तो यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ता है, तो सही है काम करना ही आया है, काम करना ज़रूरी है। चलते हैं ऑफिस सीधा फटाफट, पहले जाएंगे मेट्रो, फिर देखते हैं आगे, दोस्तों को फ़ोन करता हूँ फटाफट। मेट्रो पहुँच चुका हूँ और भाई मिल चुका है यहाँ पे, टाइम पे आए बिल्कुल, मेट्रो आ ही गई है, तो मेट्रो में चलते हैं अब ऑफिस सीधा। चलो भाई यहाँ पर अगर हो जाती है मेट्रो खाली, क्योंकि हमें उतरना था बिल्कुल लास्ट स्टेशन पे जाकर, तो आगे सेक्टर 21 पे, कि भाई कुछ सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, तरकीब सोच रहा है पैसे कमाने की। क्या सोच रहा साले? पैसा आ नहीं रहा, कोई नहीं आएगा आएगा। पहुँच गए हैं बंदर बेसमेंट में, हाँ दरगाह सेक्टर 21 में आगे हमें मिलती है शटल, और शटल से मेरा पहुँचता है ऑफिस। पता नहीं ब्रेक में आगे कैसे व्लॉग बनेगा कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रेक मिलते हैं 15 मिनट के दो और आधे घंटे का एक, तो आधे घंटे वाला ब्रेक लेता हूँ थोड़ा लेट में, और 15 मिनट वाला ब्रेक लेता हूँ थोड़ा जल्दी टाइम से, आपके साथ भी आते हैं हम। मेट्रो पहुँच गए, मेट्रो वही बाहर आ गए यहाँ से। कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी है, भाई पहुँच चुके हैं शटल के पास, ये हमारी शटल है, ये हमको पहुँचाएगी ऑफिस अब यहाँ से। क्या कह रहा है? गिरिराज की बस है। गिरिराज की बस है, एडवर्टाइजमेंट होगी उसकी। आना आ जाओ बैठ जाओ। भाई पहुंच चुके हैं ऑफिस, कैब में शटल बैठ के नींद आती है ना, नींद बढ़िया आती है, बस सोया नहीं लेकिन गाने सुन रहे थे। अब ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं, और हद से ज़्यादा धूप है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई गर्मी से ज़्यादा नहीं है? गर्मी बहुत ज़्यादा, रियल ठंडी ठंडी। सो गाइस अभी हम आए हैं ब्रेक पर, हमने पहला ब्रेक ले लिया था अपना, और हमने यहाँ पे बनाना शेक पी के अभी वापस आ जाना है 15 मिनट के बाद वापस अंदर, और फिर लेंगे आधे घंटे का ब्रेक एक और। ये है कैफेटेरिया यहाँ का, अभी अकेले के लिए ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर काम वाला फ्लो रहता है, तो उस चक्कर में एक साथ ब्रेक नहीं मिलते, बहुत कम ब्रेक मिलते एक साथ, तो अकेले के लिए आना पड़ता है 15 मिनट के ब्रेक लेने के लिए। दिन तो ऐसे निकल गया यार हमारा, जिम में ऑफिस में और इन सब चीज़ों में, वापस घर जाऊँगा फिर देखते हैं कैसा रहता है, आगे सोऊँगा और टाइम से कुछ खाऊँगा, भूख भी लग रही है, घर जाए खाना खाऊँगा, यहाँ पर खाना अच्छा नहीं है। सो चलते हैं, मिलते हैं घर जा के। फाइनली आ गए कैब के अंदर भाई, उस दिन छुट्टी हो गई हमारी अब, कल हमारी अलग थी ना। हाँ कल मैं उनके साथ गया भाई, मैं आगे बैठ गया, ठीक है, मेरे को बंदी ने सीट इंक्लाइन नहीं करने दी, कहती पीछे जगह नहीं है, और बैठी वो पता कैसे थी, सीट पे पैर रख के। अरे ऐसे ही होती है भाई, लड़कियों को ड्रामे रहते हैं। वो नहीं है जो कान में चश्मे वाली, नाम भाई नाम लेते है, वीडियो बन रही है, बीप करना पड़ेगा, नाम नहीं बताना। चलते अपने घर की तरफ, और कैब में बैठ चुके हैं और मजे लेते रहते हैं यहाँ पे, बस मुझसे अलग गाना भी चल चुका है। चलो भाई घर चलते हैं अपने, अब कभी कैब हमारी बाहर टाइम से, आज विंडो बोल रहे। चलो भाई हम आ चुके अपने घर की तरफ, अपनी कैब चली गई यहाँ से आगे, और बज गए हैं 12 भाई, पूरे 12 घंटे लगते हैं भाई, सुबह 12 से 12 निकलो, रात को करीबन 12 बजे तक आओ घर पे, सारा सुनसान एरिया। राम राम भाई, ठीक है, तो चलते अपने घर की तरफ, और लगातार ब्लॉग बनाने का सोचा है, तो जुड़े रहना एक्सप्लोर विद कुनाल के साथ। और बाल पूरे बिगड़ चुके हैं, खिड़की वाली जगह पर बैठ के,
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिन्हें नहीं करा हुआ, और वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा, तब तक के लिए बाय बाय।